हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आई होप ऑल आई डूइंग वेल सो आई एम नेहा सेठी वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी बात करेंगे एमपीएस पी शेयर के बारे में इसका दूसरा नाम है विशेष इन्फोटेक्निक्स लास्ट वीडियो देखी होगी तो बताया था कि क्वार्टर टू का रिजल्ट किस दिन आने वाला है तो फ्रेंड्स क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है एक अच्छा रिजल्ट आया है इन शॉर्ट बट आपको डिटेल में इस वीडियो में पूरा सब कुछ समझाऊंगी तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है करंट प्राइस है 0.65 2.99% का नेगेटिव रिटर्न दिया है आज एएसएम स्टेज 1 में है शेयर 52 वीक हाई है 1.37 लो है 0.19 तो अभी एक मिड रेंज में मूव कर रहा है 5% का बैंड है इसमें सेबी की तरफ से टर्नओवर 84 लाख का

लास्ट ईयर था लाख का तो फ्रेंड्स रेवेन्यू कम हुआ है लास्ट क्वार्टर के क्वार्टरिजन भी जून क्वार्टर में।, में और लास्ट ईयर थे 154 के। तो ने इस बार अपने एक्सपेंसिस को कम किया है यह अच्छी बात है अब मेन चीज क्लियरली बता रही हूं एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो फ्रेंड्स एक लॉस मेकिंग कंपनी है लॉस आया है 108 लाख का सितंबर क्वार्टर में जून में था 113 लाख का लास्ट ईयर था 129 लाख का तो फ्रेंड लॉस काफी अच्छा काम हुआ है 113 लाख से 108 लाख पे आ गई है कंपनी लॉस पे लास्ट ईयर के देखें सितंबर एंड का तो 129 लाख से 108 लाख पे आ गई है तो एक लॉस मेकिंग कंपनी तो है बट अपने लॉस को कम किया है ये अच्छी चीज है अब आपको बता दूं, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, loss making company है loss कम किया है है, कैसा वो भी बता देती हूं, promoters बहुत कम नाइन्टी है परसेंट तो प्रोमोटर्स भी कम है तो जो तीनों चीजें मेन होती हैं, वो कम है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए बट हाँ लॉस कम हुआ है तो हमें एक थोड़ा अच्छा रिटर्न देखने को जरूर मिलेगा रिजल्ट कैसा रहा result, आप एक एवरेज रिजल्ट अच्छा रिजल्ट मान सकते हैं क्योंकि तो 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 कम हुआ है के आपको हमेशा अच्छी तरह रिसर्च करके ही shares में इन्वेस्टमेंट करनी है बिकॉज पेनी स्टॉक है one के नीचे भी है तो काफी रिस्की भी हो सकता है चैनल को क्या फर्स्ट टाइम विजिट प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए थैंक यू सो मच